याद रखना, सर उठा के चलने के लिए सर झुका के पढ़ना पड़ता है। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो कि ये सोच रहे होंगे कि नीट 2024 में सफेद स्कोर कितना हो सकता है। माइसेल्फ प्रदर्शन कुमार, सेकेंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट। आज हम बात करने वाले हैं कि नीट 2024 में कितना स्कोर तुम कर सकते हो जिससे कि तुम्हारा एक मेडिकल कॉलेज में एक सीट रिजर्व हो सके। सबसे पहले यदि देखते हो तो तुम नीट 2023 का रिजल्ट देखो, उसका कट ऑफ देखो कितना गया है। नीट 2023 में अप्रॉक्सीमेटली जनरल EWS एंड OBC 610 के आसपास में उसका कट ऑफ गया है। इससे तुम अनुमान लगा सकते हो कि कैसे ईच एंड एवरी ईयर जो कट ऑफ है वो इंक्रीज करते जा रहा है। ऐसे तो तुम देखोगे तो नीट 2024 में 620-625 भी सेफ स्कोर नहीं बनते हैं, क्योंकि पढ़ने वाले बच्चे तो पढ़ते ही जा रहे हैं, उनको ये मतलब नहीं है कि कितना सेफ स्कोर होने वाला है, कितना हार्ड क्वेश्चन आने वाला है, कितना मीडियम क्वेश्चन आने वाला है, कितना इजी क्वेश्चन आने वाला है। क्योंकि यदि तुम रेगुलर प्रैक्टिस करके रखते हो, सारे क्वेश्चन देखते हो, सभी टेस्ट देते हो, तो तुम्हारा जो प्रैक्टिस है वो आसान रहेगा और NTA का जो टेस्ट होगा, जो फाइनल टेस्ट होने वाला है, उसमें भी तुम वैसे ही समझोगे जैसे कि तुम क्लास टेस्ट दे रहे हो। तो आज हम इन सारी बातों पर डिटेल में हम बात करेंगे। सबसे पहले देखो कि जो नंबर ऑफ़ सीट्स है वो आपका उस तरह से इंक्रीज नहीं कर रहा है जितने के नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स इंक्रीज कर रहे हैं। 2023 में यदि देखते हो, इस साल जो 21 लाख स्टूडेंट्स ने अपीयर किए थे आपका एग्ज़ाम में, बट सिलेक्शन कितने का होगा? सिलेक्शन ओनली 1% स्टूडेंट्स को हो रहा है। तो मेजोरिटी स्टूडेंट्स जा कहाँ रहे हैं? वो ईच एंड एवरी ईयर ऐड होते जा रहे हैं। तो इस प्रकार से है कि गवर्नमेंट उतना सीट इंक्रीज कर ही नहीं पा रही है जितना कि नंबर ऑफ़ कैंडिडेट इंक्रीज करते जा रहे हैं। जैसे देखते हो कि आपको उत्तर प्रदेश में एक बार में बहुत सारे कॉलेज ओपन हो गए, 9 कॉलेज ओपन हुए थे, तेलंगाना में 9 कॉलेज ओपन हुए थे। इसी प्रकार से ईच एंड एवरी स्टेट्स में यदि कॉलेज एवरी ईयर यदि एटलीस्ट 20-30 कॉलेज यदि इंक्रीज करते जाते हैं तो 2000-3000 तो ऐसे ही सीट इंक्रीज कर जाएंगे। वैसे तो ईच एंड एवरी ईयर 3000 से रैंक डिक्रीज करता है, बट यदि देखते हो ये यदि कन्फ्यूजन है तुम्हें तो उठा कर देख लो, 21, 22 और 23 में कोई ऐसा इंक्रीजमेंट नहीं हुआ है। 21 में तुम्हारा 21,000, 22 में तुम्हारा 22,500, और देखो 23 में तुम्हारा कितना गया, 23,500 के आसपास में, 24,000 के आसपास में गया तुम्हारा जो नीट का कटअप है वो गया है। तो इस ये भी एक बहुत मेजर फैक्टर है। दूसरी है तुम्हारा काउंसलिंग का, जो MCC का काउंसलिंग है वो ऐसा प्रॉपर गाइडलाइंस ही नहीं है, ना तो उसको स्टेट से कोई ऐसा तालमेल खा रहा है, स्टेट अलग ही अपना काउंसलिंग करवा रहा है, MCC अलग ही अपना काउंसलिंग करवा रहा है। उदाहरण के लिए देख लो तुम अपना बिहार का, क्योंकि बिहार ऑल इंडिया का 2 राउंड हो गए तब जाके बिहार का काउंसलिंग होते हैं, बच्चे पूरे अपने टेंशन में। बिहार तो रैंक लिस्ट रिलीज ही नहीं करता है, पता नहीं उसको क्या होता है, क्योंकि वो पिछले 3-4 साल से उसने रैंक लिस्ट को रिलीज नहीं कर पा रहा है, जिससे कि अनुमान ही नहीं लगते हैं कि कट ऑफ कितने जाने वाले हैं बिहार में MCC के जो काउंसलिंग हो रहे हैं। बच्चे हमेशा टेंस में रहते हैं, क्योंकि यदि तुम्हारे पास एक प्रॉपर लिस्ट रहेगा तो तुम ये डिसाइड कर पाओगे कि तुम्हें स्टेट में कॉलेज लेना है या ऑल इंडिया से कॉलेज लेना है, इससे कि बहुत सहूलियत मिलती है। लेकिन वैसे नहीं है, और जो BCC है वो बच्चों के इंडिविजुअल रिजल्ट भेजते हैं, वो बहुत ही एक गलत बातें हैं। तीसरी चीज़ है कि जो पेपर एनालिसिस के बारे में, यदि 21, 22 और 23 के यदि तुम पेपर देखते हो तो जो पेपर है वो बहुत ही अच्छे बनाए जा रहे हैं, उसमें कोई ऐसी कमी नहीं है, एक लेवल वाइज पेपर बनाया जा रहा है। क्योंकि भाई तुम डॉक्टर बनने वाले हो ऐसे नहीं, वो पेपर जो बनाए जा रहे हो वो एक्चुअली में ही वो फाइंड आउट कर रहे हैं कि हाँ तुम्हें डॉक्टर बनोगे यार। तुम यदि थोड़ा सा भी मेहनत करके रखोगे ना तो तुम सभी पेपर को सॉल्व कर सकते हो। लाइकवाइज यदि कि 21, 22 और 23 से यदि बायोलॉजी का पेपर देखते हो तो NCERT से बाहर पेपर नहीं जा रहे हैं। एनालिसिस करो ना, देखो ना तुम, चाहे बहुत सारे यूट्यूब पर पढ़े हैं एनालिसिस, देखो तुम NCERT से बाहर पेपर नहीं जा रहे हैं, और NCERT से भी दे रहे हैं तो देखो कैसा है, सेशन एजेंट क्वेश्चन अब डालना शुरू कर दिए हैं। पेपर में जो NCERT का लाइन है उसी को उठा के डाला जा रहा है, लेकिन तुम उसका रिविजन नहीं किए हो ना, जिसकी वजह से तुमको लगता है कि वो हमारे लिए नई चीज़ें हैं और गलत हो जाते हैं। इसके लिए है कि तुम जितना से ज़्यादा रिवीजन करोगे, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे वही तुम्हारा होगा, और अच्छे से तुमको पता ही नहीं चलेगा कि तुम क्लास टेस्ट दे रहे हो या तुम NTA का जो फाइनल टेस्ट हो रहा है वहाँ पे जाकर दे रहे हो। NTA भी आप तुम्हारा जो टेस्ट कंडक्ट करती है, मिनी टेस्ट होती है, जो ऑनलाइन टेस्ट होता है उसके भी तुम दे सकते हो, प्रैक्टिस वहाँ पे जाकर कर सकते हो। तो ये सब बातें हैं। और दूसरी चीज़ है कि जो NTA जो अभी बायोलॉजी को कॉन्स्टेंट करके रख रहा है, लेवल सेम रख रहा है 21, 22 और 23 से फिजिक्स में,
फिजिक्स इस बार थोड़ा क्या था, बहुत इजी था। हाँ वो इजी नहीं था क्योंकि फार्मूला बेस्ड तुमको क्वेश्चन दे रहा है, तो क्या वो इजी नहीं हुआ। केमिस्ट्री का पेपर है उसको थोड़ा टफ किया जा रहा है, क्योंकि बच्चे जो है वो फिजिक्स में डल होते हैं, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तो सबके अच्छे होते हैं। तो थोड़ा इस पर ध्यान दो, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी दो चैप्टर, ऐसा नहीं कि तुम दो सब्जेक्ट बायोलॉजी और केमिस्ट्री बहुत मजबूत कर लोगे तो तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। सिलेक्शन हो जाएगा वो स्टेट वाइज, यदि वो कैटेगरी वाइज हो तो सिलेक्शन हो जाएगा। अदरवाइज यदि तुमको 620 630 साढ़े 600 नंबर लाने हैं तो तीनों सब्जेक्ट तुम्हारा परफेक्ट होने चाहिए। सो इस प्रकार से कि तुम अपना एक शेड्यूल बनाओ, अच्छे से तैयारी करो, पढ़ो। अभी टाइम है तुम्हारे पास 6 मंथ, जितना अच्छा से हो सकता है जितना प्रैक्टिस कर सकते हो करो, कि तुमको बाद में पछताना ना पड़े कि काश हमें सब पढ़ लिया जाते हैं। सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, एंड लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना।